नमस्कार, वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज हम बनाएंगे गोभी आलू की सब्जी। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके में बनाएंगे, जैसे कभी कभी हम बनाते हैं थोड़ी रिच सब्जी, तो उसी तरीके से आज मैं बनाऊंगी। गोभी को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑयल गर्म करने इस पैन में डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि हमको गोभी को थोड़ा तलना है, और मैं ये तेल डाल देती हूँ। तब तक मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ के बारे में। थोड़ा ज़्यादा तेल डाला है मैंने, क्योंकि हम इसमें गोभी फ्राई करेंगे। ये मैंने गोभी ली है। गोभी को मैंने इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है और अच्छे तरीके से धो लिया मैंने इसको। ये थोड़े से आलू भी मैंने मोटे मोटे काटे हैं। अच्छा, ये जो गोभी हम काटते हैं, कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी गोभी बच जाती है, छोटे छोटे पीसेस उसमें से बच जाते हैं। तो मैंने वो क्या किया है, वो मैंने ये गोभी के ये जिस तरह इस तरह देखिए छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इवन पीसेस चाहते हैं गोभी की सब्जी में, कभी स्पेशल बनाते हैं। नॉर्मल घर में तो हम सारी चीज़ें डाल देते हैं, उसमें डंठल डाल देते हैं, उसको डाल देते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े बच गए, तो मैंने इसमें ये बेसन डाला है, जिसमें कि मैं थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल के और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको मैं रख दूंगी, क्योंकि मैं इसको अभी नहीं बनाऊंगी, मैं इसको शाम को बनाऊंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ गोभी की और आलू की सब्जी बताऊंगी, गोभी आलू की सब्जी एक शाही तरीके से। तो ये जो बैटर है ना, इसमें चाहो तो आप धनिया भी ऐड कर लो, थोड़ा आमचूर डाल लो, जो भी आपको डालना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी गोभी है, अगर आप सब्जी में नहीं डालना चाहते तो आप उसको इस तरीके से करके बंद करके डिब्बे में डाल के रख दीजिए, और जब भी आप या तो उसी समय बना लीजिए पकौड़े, या जब आपका मन करे आप उसको पकौड़े बना लीजिए। अच्छा, जब तक मैं ये गोभी जो है ये इसमें फ्राई करने डाल देती हूँ, तेल में इसको मैं फ्राई करती हूँ। थोड़ा छींटे पड़ते हैं तो थोड़ा दूर ले लीजिए। अभी ये कीड़े वाली गोभी नहीं है इस वक्त। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि गोभी को थोड़ा गर्म पानी में उबलते हुए पानी में नमक हल्दी डाल के, जब पानी उबल जाए उसमें गोभी के टुकड़े डालें और थोड़ा देर थोड़ा हल्का एक दो मिनट बॉयल करके फिर इसको निकालें, ताकि जितनी भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो निकल जाती हैं। अच्छा, जब तक ये गोभी कर रही है, मैंने क्या किया है, आलू को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया है कि आलू को हम थोड़ा दो मिनट तक भाजपा में उतार लेंगे। जब तक ये गोभी हो रही है, मैंने आलू को माइक्रोवेव में रख दिया है, और इसको हम देखते हैं साथ साथ में। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, ये प्याज है कटे हुए छोटे, थोड़ी मिर्ची है जो हरी थी मैंने बाहर रखी थी तो लाल हो गई, कोई बात नहीं, और ये थोड़े टमाटर कटे हुए हैं, दही है मेरे पास, ये लहसुन का पेस्ट है जो मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, दौरे डंडे में थोड़ा कूटा है, सेम इसी तरीके से मैंने अदरक को भी इसी तरह कूटा है। ये थोड़े गरम मसाले मैंने लिए हैं, तेजपत्ता, दालचीनी, खड़े मसाले हैं, तेजपत्ता, दालचीनी, थोड़ी छोटी इलायची, जीरा, लौंग और काली मिर्ची, ये सब मैंने, ये अभी मैं जब तड़का लगाऊंगी तब इसमें ये सब डालूंगी। चाहिए तो आप कूट के भी डाल सकते हैं, कूट के भी अलग से ऊपर डालें वो भी अच्छा फ्लेवर आता है, और अगर तड़के में ही चाय डाल दें वो भी अच्छा लगता है। और ये थोड़ा धनिया है जो मैं कच्ची पत्थर के उसी समय डालूंगी, थोड़ा नमक, और ये हींग है, और ये मेरी मसाले वाली है जिसमें मैं ये जो लाल मिर्ची है, एक्चुअली मैं थोड़ी तीखी वाली और कश्मीरी लाल मिर्ची भी मिक्स करके रख लेती हूँ, ताकि इसका तीखे का भी और रंग का भी पर्दा सॉल्व होता है। लेकिन अगर आपको रंग चाहिए तो थोड़ी सी रंग वाली मिर्ची कश्मीरी लाल मिर्ची है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये गोभी जो है इस तरीके से हम लाल कर लेंगे, इसका टेस्ट भी तभी आता है जब गोभी अच्छे से लाल हो जाती है ना, एक तो पक भी जाती है और उसका जो स्वाद आता है गोभी का लाल होने के बाद में, वाह, वही एक अल्टीमेट उसकी इस शाही गोभी की स्पेशलिटी है। इसको हम अच्छे से लाल कर लेंगे। और ऐसे जल्दी भी पक जाती है इस तरीके से जल्दी। देखिए ये जो ये गोभी है ना, ये मेरे पापा की बहुत फेवरेट है। जब हम लोग छोटे थे मुझे याद है, जब कोई घर में आता था तो मेरे पापा बोलते थे मेरी मम्मी को हमेशा मोटी बुलाते हैं, पंजाबी ज़्यादातर मोटे बोली जाते, तो बोलते थे मोटी तू हट आज मैं फ्राई गोभी बनाता हूँ। तो हमेशा मेरे पापा ने ना ये गोभी जो है मेरे पापा की ही होती थी डिश, हमेशा वही बनाती थी। मम्मी जो है वो छोले बनाएगी, दही बड़े बनाएगी, और मेरे पापा जो है ये शाही गोभी बनाएंगे। आज ये बनाओ ना तो बोलते हैं फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया। अच्छा, ये गोभी हो गई है, अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, लाल हो गई है अच्छे से, देखिए
खूब अच्छे से लाल रंग बढ़िया सा आया है, और जब मसाला इसमें आएगा और रंग आएगा इसका। और अब मैं ये जो मैंने माइक्रोवेव में रखे थे आलू, ये भी मैं निकाल लूंगी। एक्चुअली आलू जरूरत नहीं है डालने की, पर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ आलू क्योंकि मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो आलू को भी हम इसी पहले थोड़ा सा तले, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव में इसको अराउंड 2 मिनट रख लिया था, और थोड़ा सा इसको भी तल देंगे ताकि इसका थोड़ा रंग आ जाए। होता तो ऑयली हो जाए, पर कभी कभी अभी तो मन करता है वो अच्छा रिच खाने के। रोज़ तो हम बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इतना ऑयल और बाप रे इतना मसाला नहीं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसे अपने आप को चीट कर सकते हैं, स्पेशली लाइक ऑन सैटरडेज और संडेज, और समबड़ी यू इनवाइट समबड़ी होम और यू गो समवेयर यू वांट टू कुक फॉर देम, सो दिस इज अ नाइस आइडिया टू कुक। सो ये हमने आलू भी हमने तल लिए हैं, ये फटाफट तल जाएंगे आलू क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको माइक्रो किया है। गोभी को माइक्रो करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतनी कच्ची होती है कि वो जल्दी से वैसे ही पक जाती है। अच्छा, इस तेल को ना मैं थोड़ा सा वापस निकाल दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा तेल है। ये तेल को मैंने थोड़ा सा अलग निकाल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा तेल हो रहा था इसमें। तेल थोड़ा ज्यादा चाहिए पर इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए, जितना मैंने थोड़ा तलने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होता है। तो ये थोड़ा तेल मैंने निकाल के ये कम कर दिया है, थोड़ी कंजूसी करिए। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अभी, ये पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, ये जीरा और काली मिर्ची, लौंग, ये सब है इसमें, ये जाएगा सब इसमें इस तरीके से। थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, और मैं इसमें फटाफट गार्लिक का जो कुटा हुआ मैंने बड़े इंडे में कुटा था, गार्लिक और अदरक का पेस्ट वो डाला है। ये हरी मिर्च भी मैं इसमें जब चीनी मिक्स करके डाल देती हूँ। जो इसकी महक आती है ना अदरक लहसुन जो घर में हम कूट के जो डालते हैं फ्रेश वाला अंतिम, तो इसमें हम मैंने प्याज भी डाल दिए हैं। ऐसी सब्जी जब कहीं बनती है ना, अगर आप दोपहर में एक डेढ़ बजे कहीं से निकलो, कहीं आप काम से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो, ओहो जो भूख लग रही होती है और ऐसी सब्जी की जो खुशबू आती है मजा आ जाता, लगता है जल्दी से कहीं उसी घर में घुस जाओ और खा के आ जाओ थोड़ी बहुत सब्जी। ओके, ये प्याज डाल दिया इसमें, ये प्याज थोड़े से भुन जाए फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये प्याज थोड़े भुन गए हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं भुनते क्योंकि हम जैसे कि मसाले डालेंगे ना उसके बाद में हम इसमें बहुत उसको थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, करीबन आधा टीस्पून। अच्छा, धनिया तो हम अच्छे से डालते हैं, धनिया से तो बहुत स्वाद आता है। ये मिर्ची है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, ये थोड़ी मिक्स वाली मैंने मिर्ची डाल दी है इसमें। और ये थोड़ा मसाले को मैं डाल सकती हूँ इसमें। मैं थोड़ी सी मेरे पास ना ये कश्मीरी मिर्च भी मैं रखती हूँ अलग से, ये भी डाल देती हूँ। इसका तीखा तो ज्यादा नहीं होता पर इसका रंग बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा मैं इसमें ना चाट मसाला भी डाल देती हूँ, चाट मसाले से तो चीज का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फ्राइज करूंगा ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। असली में टमाटर थोड़े अच्छे लाल लेने चाहिए, ये थोड़े लाल नहीं है टमाटर पर कोई थोड़ा धीरे करते हैं। खाती आती है इसको करते समय थोड़ा सा मैं इसमें नमक कभी डाल देती हूँ क्योंकि नमक से ना थोड़ा ये टमाटर गल जाएंगे जल्दी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे अगर तेल खुला डालेंगे तो पानी डालने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा पानी डाला क्योंकि तेल में थोड़ी कम दिखती थी। ये मसाले को ना हम अच्छे से कम 8-10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो प्याज टमाटर सारे अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाते ना, एक अच्छा सा बाइंडिंग वाला मसाला आ जाएगा। और इसमें मुझे दही भी डालना है, अभी दही से ना एक बड़ा अच्छा
टेक्सचर आता है और ये खट्टापन भी आता है, रिचनेस आती है सब्जी में, मलाई भी डाल सकते हो आप। तो मैंने ये दही डाली है क्योंकि मुझे भी खानी है ना, थोड़ी ज़्यादा मलाई वलाई डाली तो बस हो गया मेरा, आज ही 2 किलो बढ़ जाने। तो इसमें मैं ना अभी ये दही भी डाल देती हूँ। बड़ी स्पेशल डिश होती है ये भी कभी कभी पंजाबी के घर बनने में, कि हाँ भाई आज तो शाही गोभी बन रही है, बढ़िया मजेदार बढ़िया से पराठे बनाओ साथ में और शाही गोभी के साथ खाओ, मजा आ जाता है। मैं तो सोच रही हूँ अभी बनाते बनाते जब मेरे डैडी ये वीडियो देखेंगे ना तो बोलेंगे वाह पुत्र क्या ब्यूटीफुल सब्जी बनी है, ब्यूटीफुल प्यारी, बहुत प्यारी सब्जी बनी है उनका, ये ना बड़ा पहले डायलॉग है। तो आज उनको बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं ये वीडियो बनाती, क्योंकि उनको मन लगेगा, बोलेगा मोटी, बोलेगी मोटी आज तो, मतलब मेरी मम्मी को, मोटी आज तो शाही को भी बना ये अच्छा। थोड़ी देर मैं इसको ना छोड़ देती हूँ ऐसे ही, कम से कम 8 मिनट, 7 से 8 मिनट, ताकि अच्छे से बिल्कुल पक जाए मसाला। थोड़ी देर मैं इसको रखती हूँ, ये मसाला देखो अभी ना कम से कम 6-7 मिनट 8 मिनट मैंने इसको रखा है, तो ये सारा एक दूसरे में मिल गया। अभी मैं इसमें ये जो गोभी और आलू मैंने फ्राई करके रखे थे ना ये मैंने डाल दिया इसमें, और इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढक के थोड़ा सा भी मिला लूँ मैं इसके पहले, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अदरक लहसुन की जो स्वाद होता है ना वो अच्छा लगता है, गर्म मसालों का स्वाद, गोभी का तो है ही। इसको मिक्स करके धीरे करके ना मैं थोड़ा इसको ढक के रख दूंगी, अगर चाहो ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दो, ताकि थोड़े से जो भाप में जो रही कसी रही कसर रहती है थोड़ी सी सब्जी में पकने की, और मसाले भी थोड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि थोड़ा लिक्विड करने से क्या होता है ना थोड़े मसाले सब्जी के अंदर रस जाते हैं बिल्कुल, और ये थोड़ा जो इधर उधर लग भी जाता है मसाला वो भी थोड़ा सॉफ्ट होके ना निकल जाएगा, और ढकूंगी तब तो मैं भाप से भी उसमें असर होता है। तो ये थोड़ी देर मैं इसको धीरे पे करके कम से कम 5 मिनट छोड़ देती हूँ उसको, बिल्कुल सिम गैस पे रख के। ओके ओके, ये मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया इसका। ये देखिए ये आलू भी बिल्कुल गल गए हैं, गोभी भी गल गई हुई है, गोभी भी गल गई है, यस। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें टमाटर के डालते समय, तो अभी मुझे जरूरत नहीं है डालने की, और ये जो धनिया मेरे पास है धनिया मैं इसमें डाल देती हूँ, खूब अच्छा धनिया आप इसमें डालो, धनिया से तो और भी स्वाद आता है सब्जी का, और मैंने थोड़ा सा कुक होते समय ही धनिया डाल देती है, ताकि ना थोड़ा धनिया का फ्लेवर उसके अंदर ही रच जाता है सारा सब्जी में, ऊपर से फिर अलग से आपको डालना है तो आप डालो, लेकिन पहले जो डाल देते हैं ना उसका फ्लेवर ही अलग होता है, पूरी सब्जी में रच जाता है वो, मुझे पसंद है वैसे वाला इसलिए मैं डालती हूँ, और इस तरह से वो कच्चा भी नहीं रहता है। हमेशा जब ऐसी कोई चीज़ ऊपर से डालनी हो ना तो हमेशा पीने वाले पानी में धो के डालना हमेशा। ये हमारी गोभी तैयार हो गई है, अब हम इसको डालेंगे अपने डिश में। भाई गॉड, मेरा मन कर रहा है कि आज मेरे पापा इधर ही होते ना मेरे पास में, आज मस्त पराठे बना के उनको मैं खिलाती इसके साथ गोभी और रिंग पराठा, या कोई पराठा उनको बड़ा पसंद है, पराठे पंजाबियों की ना जान तो पराठे में अटकी रहती है, रोटी तो किसी को पसंद ही नहीं आती, जब क्या खाना है भाई कुछ नहीं है तो पराठे ही खाने हैं भाई, कुछ नहीं तो पराठे, कुछ नहीं तो पराठे मलाई के साथ ही खिला दो, बटर के साथ ही खिला दो, चाय के साथ भी पराठे ही खाएंगे, अचार हुआ आम का और पराठे, बस और क्या चाहिए हमको। आज तो ये भाई स्पेशल गोभी बन गई है, आप लोग भी इसको बनाओ और ट्राई करो और मुझे बताना कि कैसी लगी आपको ये गोभी के प्रिपरेशन, और खा के बना के और खा के बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, आपको ये गोभी की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।